हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आ चुके हैं मनाली। और वैसे तो हम आ चुके हैं बर्फ में। आजा आजा और बात करेंगे। आजा, अरे यार, बात करनी जरूर है। हम आ चुके हैं बर्फ में। मतलब आ तो कल गए थे, तो आज है हमारा फर्स्ट डे इन मनाली। और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, इतनी ठंड हो रही है कि आप देख ही सकते हैं। ऐसी हालत आपने मेरी पहले कभी नहीं देखी होगी कि मेरे मुंह से भी शॉल नहीं हट रही है, इतनी ठंड है। क्या होने वाला है पता नहीं है, तो देखते हैं। क्योंकि बर्फ बाहर है, बर्फ पड़ रही है, पड़ नहीं रही है, मतलब पड़ चुकी थी शायद कल या परसों पड़ी होगी, नहीं। परसों पड़ी थी तो वो जमी हुई। कुछ भी नहीं हो रहा, फोन चल नहीं रहा। उन्हें पता था ना कि सारांश आके फोन मिलाएगा, परेशान करेगा, इसलिए उन्होंने फोन बंद किया हुआ। क्या हुआ है? फोन बजा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, आजकल हम आए आए हैं हिमाचल में और मनाली में, और मनाली में ठंड इतनी गजब की पड़ रही है कि क्या बताऊं। तो यहाँ पर देखिए, हमारे होटल से ऐसा कुछ व्यू आता है और बर्फ़ ही बर्फ़ है हर जगह, जहाँ देखो वहाँ बर्फ़ है। और यहाँ बच्चे के हाथ ठंडे हो रहे थे, बच्चों के, तो यहाँ पर मैं उनके ड्रायर से हाथ सुखा रही थी क्योंकि वो बर्फ़ में खेल के आए थे, तो उनके हाथ ठंडे हो रहे थे। और यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल, आपके लिए एक वीडियो तैयार किया है, उसके बाद मैं दूसरा वीडियो शुरू भी कर दिया है। तो आज हम जा रहे हैं दो जगह पर, एक तो है हिडिम्बा टेम्पल और एक है सोलांग वैली। कैसी लग रही हूँ मैं कैसी लग रही हूँ? बाहर से दीदी का कमेंट आ गया कि ब्यूटीफुल, पर मैंने जिसने मुझे चार बार तब तीन चार ब्यूटीफुल होने चाहिए। और क्या, पति का ब्यूटीफुल अलग होता है। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत बढ़िया। तो अब हम चलते हैं नाश्ता करने के लिए नीचे, ब्रेकफास्ट। बर्फ। अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। कहाँ पे जाना है पता है? कहाँ जाना है? यही बच्चों ने खूब वो करी, मस्ती पूरी मस्ती। तो हम लोग आ चुके थे नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो बुफे लगा हुआ था, तो हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि होता ही है यार बच्चों के साथ, और लेडीज़ खुद में ही थोड़ा 10-15 मिनट लेट हो ही जाती हैं। तो हम लोग लेट हो गए थे, बच्चों ने तो स्टार्ट कर दिया था काफ़ी देर पहले खाना खाने के लिए, मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि क्या क्या बना है, तो यहाँ पर तीन चार आइटम्स थे, एक पोहा था, ऑमलेट था और पराठे थे आलू प्याज के, और चौथी आइटम क्या थी, सैंडविच थे, मैं खुद ही भूल गई, और चाय कॉफ़ी थी। तो यहाँ पर मुझे भाई सुबह सुबह ना पोहा चाहिए, क्योंकि मुझे, आपने पता है, मैं खाती नहीं हूँ पोहा, और ना ही मुझे ऑमलेट वगैरह खाना था, मैंने तो सिर्फ पराठे खाए हैं और मक्खन और चाय के साथ। तो बहुत ही अच्छा था, मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि ठीक ठाक था, मुझे तो ठीक लगा क्योंकि पराठे मुझे कैसे भी हों अच्छे ही लगते हैं, तो बाकियों को तो इतना कुछ खास नहीं लगे तो, पर चलो कोई बात नहीं यार, ब्रेकफास्ट पेट भरना था। सो कभी अच्छा भी बनता है कभी। बाकी जो होटल का रूम का व्यू है, मतलब रूम टूर है, वो मैं आपको अगले व्लॉग में कराऊंगी, क्योंकि ना आजकल एक साथ बनाने का टाइम ही नहीं लग रहा है, तो इसीलिए लेट हो जा रहा है। और दूसरी चीज़ है कि हम कौन से होटल में रुके थे, कैसा वहाँ का सिस्टम था, कैसी वहाँ की सर्विस थी, वो भी मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में ज़रूर ज़रूर बताऊँगी। मीडिया रिपोर्टिंग। ये हमारा संवाददाता हमें बताएंगे कि कितनी बर्फ है यहाँ, बताइए। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि काफी ठंडा वाला माहौल रखा है, वहाँ बर्फ चार चारों तरफ बर्फ हो रही है, यहाँ पे हर जगह बर्फ हो रही है, जैसे वाले इतनी बड़ी बर्फ पीछे पर वहाँ के मेरे जूम किए थे। तो अभी हम जाने वाले गार्डन जहाँ पे पूरा टन ऑफ बर्फ, तो चलो वहीं चलते हैं, वहाँ पे बर्फ देखेगा। वीडियो रिपोर्टिंग करो वहाँ से। नमस्कार। किसी और का नाम भी सारांश है क्या?
अभी सुनो मैंने सारांश। अब हम लोग जा रहे हैं हिडिंबा टेम्पल और फिर हम जाएंगे गार्डन और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे आज। तो देख लू तो 11:30 बजे के करीब हम लोग निकल चुके थे हिडिंबा टेम्पल के लिए और मतलब आप मानोगे इतनी भीड़ है ना आजकल भी, इतनी भीड़ है कि क्या बताऊँ। मतलब हमें ऐसा लगा था कि आजकल थोड़ा कम भीड़ होगी और हमारे ही जैसे और लोगों को भी लगा होगा कि आजकल चलते हैं आजकल कम भीड़ होगी। पर चलो कोई बात नहीं, अगर आप कहीं जा भी रहे हैं तो अपनी सेफ्टी से जाइए, अपना पूरा बंदोबस्त करके रखिए। मतलब जैसे बच्चे जा रहे हैं साथ में तो दवाई वगैरह रखिए बच्चों की भी और अपनी भी, क्योंकि ऐसा है ना हम कहीं और जाते हैं तो हमें वहाँ का सिस्टम समझने में थोड़ा टाइम लगता है, वहाँ को क्या चीज़ कहाँ पर है क्या नहीं। तो चलो भीड़ भीड़ को चलो छोड़ो, मैं भी क्या बात करने लग गई। तो यहाँ पर ये देखिए, मतलब जहाँ नज़र मारेंगे वहाँ बर्फ़ है, जहाँ नज़र मारेंगे वहाँ बर्फ़ है। और सारांश तो इतना 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 एक्साइटेड है कि बस मुझे तो स्नोमैन बनाना है, मुझे तो स्नोमैन बनाना है। उसको ये नहीं पता है कि बर्फ़ इतनी ठंडी होती है कि हालत ख़राब हो जाती है। उसको ठंड नहीं लग रही थी क्योंकि उसको मैंने अच्छी तरीके से पैक करा हुआ था, क्योंकि मैं चाहती थी कि इसको ये जितना मर्जी इधर उधर कूद ले इसको ठंड ना लगे। तो इसलिए मैंने 3-4 उसको अंदर से हुड वगैरह पहना रखे थे, ऊपर मोटा सा जैकेट पहना रखा था। तो यहाँ पर देखिए कितना सुंदर व्यू है, मतलब हमारे लिए तो ये बहुत सुंदर है पर जो लोग यहाँ पे रहते होंगे उनके लिए बहुत दिक्कत भी हो जाती होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि जेसीबी लग लग के वो बर्फ़ को साइड कर रही थी। तो देखो सबके लिए सिचुएशन सेम नहीं होती है, जिसके लिए ये सुंदर है और जो यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए थोड़ा और प्रॉब्लम्स भी होती होंगी। तो ऐसा कुछ व्यू है यहाँ पर, देखिए जेसीबी भी खड़ी हुई है। तो हम लोग पहुँचने वाले हैं हिडिंबा टेम्पल, उसके बाद एक जगह और जाएंगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होता है कैसे होता है। सारांश की शक्ल ही नहीं दिख रही, पूरा ब्लैक ब्लैक लग रहा, माथा दिख रहा बस थोड़ा सा, कैसा लग रहा। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं हिडिंबा टेम्पल में, तो गाड़ी तो साइड में लगा रही थी भैया ने और हम लोग अब चल रहे हैं। और बच्चों के साथ में बहुत केयरफुली रहना पड़ता है क्योंकि नई नई जगह है, उनका मन करता है हाथ छुड़ा के बस इधर उधर भाग लो, क्योंकि हर चीज़ इधर उधर सुंदर दिख रही है तो उनका मन कर रहा है ये भी देख लें वो भी देख लें, ये भी पकड़ लें वो भी पकड़ लें। खरगोश पकड़ना पापा, कुकी ना सुनो तो उसकी फोटो भी खींच लो, मैं वीडियो बना रही हूँ, फोटो कैसे खींचू। प्रसाद भी ले तो देखा ही होगा आपने कि सारांश ने एकदम से वहाँ जा कर के रैबिट को पकड़ लिया, और बल्कि मैं डर रही थी कि पता नहीं काट ना ले, होता है ना मतलब माँ का मन हमेशा डरता ही है कि कहीं कुछ चोट ना लग जाए या काट ना ले, पर वो तो मज़े से पकड़ के उसको घूम रहा था, कितना क्यूट लग रहा है ये रैबिट। और यहाँ पर अब रैबिट वगैरह के साथ फ़ोटोशूट कराने के बाद हम लोग चले गए थे आगे जहाँ मंदिर की तरफ, जहाँ के लिए हम आए थे, और वहीं से ही आगे को रास्ता वापस जाने का भी है। तो यहाँ देखिए बर्फ ही बर्फ, मतलब इतनी सुंदरता, एक मन कर रहा था कैमरा बंद करके मैं अपना वो देखूँ एंजॉय करूँ इस चीज़ को, इस मोमेंट को मैं एंजॉय करूँ, पर ऐसा नहीं है। कैमरे में जो मैं काम कर रही हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो हम हमेशा देख पाएंगे, इसलिए मैं अपना आँखों से ना देख करके कैमरे से देख लूँगी। तो ये रहा वो टेम्पल जहाँ के लिए हम आए थे। हम पहुंच गए हिडिंबा टेम्पल, बहुत ठंड है। तो ठंड तो इतनी थी कि गजब की ठंड थी, पूछो ही मत।
तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पर टेम्पल तो बंद ही था, क्लोज था, पर फिर भी लोग मतलब बाहर से ही जा करके जैसे दर्शन करने बोल लो या फिर माथा टेकना बोल लो, जैसे जो भी आप बोलते होंगे वो कर रहे थे। तो बर्फ़ से पूरा मतलब टेम्पल से ढका हुआ था ना, कितना प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर ना बहुत फिसलन हो रही थी, मैंने अपने ही सामने कितने लोगों को फिसलते देख लिया। और आपको पता है मेरा फिसलने का रिकॉर्ड है, मैं कहीं ना कहीं हर जगह ना एक बार तो ज़रूर फिसलती हूँ, पर मैं नहीं फिसली हूँ अभी तक। जब मैं फिसलूँगी ना तब मैं आपको बताऊँगी। यहाँ क्योंकि ना जब बर्फ़ पे चलते रहो तो वो बहुत सख्त हो जाती है और फिर उसके बाद बहुत पैर स्लिप करता है। सारांश तो एक दो बार गिरा भी, जब भी वो हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश करते ना, वो वहीं ड्रम से गिर जाता है। तो इसलिए हम उसका हाथ पकड़ के चल रहे थे ताकि वो कहीं गिर ना जाए। हम पहुँच गए हिडिम्बा देवी टेम्पल और ये बंद है आजकल, पर हमने बाहर से ही दर्शन कर लिए हैं माता। वीडियो तो ऑन है। थंबनेल बहुत बारी टहल भी रही है, एकदम ठंड है, ठंड उसकी टहल भी रही है ऐसे करके। इनको उसी की टेंशन हो रखी है सच में। हाय दारांश, ये छोटे वाले में उठाएंगे इसमें पैर निकल जाएगा। हां आ जाओ, हाय बेचारा क्या सोच रहा होगा। सारांश पीछे हो जाओ, कहीं मार ना दे। ये फोटो, अरे भाई जी बीच से हटो आप, ये तो बढ़िया फोटो है। संभाल नहीं पाएंगे मैडम, कीचड़ है ना नीचे, गिर गया। आ जाओ आप बैठो बैठो। तो इतना जो व्लॉग था वो था हिडिम्बा टेम्पल का। यहाँ पर स्नो थोड़ी कम थी, पर जितनी भी थी बहुत सुंदर सुंदर व्यू था। और मंदिर क्लोज होने के कारण से मैं आप सबको नहीं दिखा पाई और वहाँ ना शूट करना मना भी था, इसलिए जहाँ पर शूट करना मना किया होता है वहाँ मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, क्योंकि भाई अपने अपने रूल्स होते हैं सबके, वो ब्रेक करना अच्छी बात नहीं है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब भी कर लेना। और नेक्स्ट सोलांग वैली का व्लॉग आने वाला है, वेट करिएगा। मैं चलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।